आज मैं सुबह 9 बजे से ब्लॉग एडिटिंग कर रही थी। 9 बजे का मैंने अपलोड। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप लोग कैसे हैं? आई होप, आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। आज मंडे है, सोमवार, तो अनंदा तो स्कूल अभी भी गया, तो काम तो खत्म हो गया। अभी मैं करने लगी हूँ पहले पूजा, साथ में मैंने चाय चढ़ाई है। और जूली के लिए जो पैडी की लाई है ना, वो ना मैं इसको सूखी नहीं देती हूँ। सूखी तो हमारे बोलती हूँ, थोड़ा गर्म पानी करके उस पर धो के रखती हूँ। वो इतनी इतनी मोटी फूल जाती है, तो फिर वो उसके साथ 2 फुलके मिक्स करके देती हूँ, तो उसका पेड़ बच जाता है। तो कल हम गए थे उधर, एग्जीबिशन लगा हुआ था कला केंद्र में, कॉटन और सिल्क का। तो काफ़ी दिन से वीडियो आ रही थी, हमने बोला चलो जाना देखते हैं कुछ पसंद आएगा। लेकिन पसंद क्या है कि कॉटन की वरायटी तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा वरायटी थी, लेकिन हाथ नहीं लगाया जा रहा था। अगर कोई सिंपल सूट भी को देख रहे थे तो वो 300 रुपये की, 1 मीटर 300 रुपये में दे रहा था। 1200 रुपये का एक सूट 4 मीटर वो बन रहा था। अगर एक दुपट्टा नॉर्मल सा दुपट्टा सा, तो ऐसे मुझे पसंद आया। मैंने कहा ये दुपट्टा बोलता 1200 का, मुझे देख के इतना, मैंने बोली एक तो एग्जीबिशन लगा हुआ, एक इतनी महंगाई, आपने इतनी महंगी कॉटन, मैंने दीदी ने कुछ नहीं लिया। तो हमने सोचा था कि चलो एक सूट पसंद आया, फिर एक फ्रॉक बड़ी अच्छी फ्रॉक थी, वो पसंद थी 1600-1700 की। वो खाली फ्रॉक थी, ना दुपट्टा था, ना स्लैक्स थी, कुछ भी नहीं था। वो मतलब कि बहुत ज़्यादा महंगाई थी, तो मुझे तो कुछ पसंद नहीं, कि महंगाई बहुत ज़्यादा थी। हाँ अच्छा था, लेकिन मुझे नहीं पसंद, मैंने कुछ नहीं लिया। फिर उससे हम बावे चले गए, तो रात को लेट आए, थोड़ा लेट हो गए थे। नन्नू घर गया, नन्नू को रास्ते में उतार दिया, तो फिर हम लोग घर आ गए। तो अभी मैंने ये देखो, ये मैंने रोटी और इसकी पैडिग्री, ये देखो कितनी सी बड़ी मोटी फूल गई ना, ये अभी मैंने भिगो के रखे हैं। इसमें मैं थोड़ा दूध डालूंगी, और ये मैंने चाय चढ़ाई हुई है, ये देखो चाय कैसे बॉइल देख कर रही है। तो अभी पहले मैं पूजा कर लूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आज मैं सुबह 9 बजे से ब्लॉग एडिटिंग कर रही थी, 9 बजे का मैंने अपलोड करके रखा हुआ है। लेकिन तब का अपलोड किया, 11:30 बजे मेरा ब्लॉग चढ़ा। आज पता नहीं क्या बात है, इतना स्लो चल रहा था। मैंने अनुरंधर पापा से बात की, बोलते हैं नहीं तेरी स्टोरेज में ना फुल होगी, मैं आके देखता हूँ, शायद उसकी वजह से हो रहा है, ब्लॉग अपलोड ही नहीं हो रहा था। और आज के ब्लॉग में इतनी हंसी आई है ना, मुझे खुद पर ही मुझे हंसी आ रही है कि हम लोग वहाँ एग्जीबिशन में गए और हमें कुछ नहीं, मुझे खुद ही देख के मुझे हंसी आ रही है। तो बड़ी मुश्किल से अभी मैंने अपलोड किया, अभी जाके चढ़ा ब्लॉग मेरा। तो अभी मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, कपड़े प्रेस मेरे हो गए हैं। अभी मैं लगी हूँ दाल को तड़का लगाने। ये देखो दाल उबल गई है, चावल बन गए, अभी मैं इसको पहले तड़का लगा लूँ, उसके बाद मैंने मशीन में डाले हुए कपड़े, तो कपड़े धोती हूँ, उसके बाद पहले तड़का लगाऊँ। और ये रही मेरी चुट्टी, ये रही मेरी पुट्टी, देखा मुझे ऐसे हिलाती है। ये है कि जानों को खाना पेट भर के मिलो ना, बिल्कुल मस्त रहते हैं, बिल्कुल मस्त, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब शाम को अभिनंदा के पापा आते हैं ना, कोई कुदरती, कोई पता नहीं इनको जहाँ पता चल जाता है, पता नहीं क्या बात है, जैसे अभिनंदर के आने का टाइम होगा 2:15 बजे 2:30 बजे, अभिनंदर कभी सवा दो कभी ढाई पहुंचता है, कई बार फिर आगे पीछे हो जाता है, तो इसने आके दरवाजे पे बैठ जाना है, इसको पूरा पता चलता है। और ठीक 4 बजे 10 मिनट का हम 4 होंगे ना, अनंदर पापा आने का टाइम होगा, तब भी आके दरवाजे पे बैठ जाती है, इसको पूरा टाइम का पता है, लग जाता है कि उसके आने का टाइम होगा। लेकिन वो जब आएंगे तो इसने क्या करना, उनके पीछे पीछे घूमना है, जाएंगे किचन में बिस्कुट धो लेंगे, अगर वो पनीर लाएंगे उसको पनीर डालेंगे, फिर जैसे इसने मुंह में डाला सीधा ने एसी वाले रूम में चले जाना और जाके चुपचाप बैठ जाना, फिर बिल्कुल नहीं इसने कोई वो करना। लेकिन तब फिर रहती है अपने दादा पापा के साथ साथ ही रहती है, फिर ये वो तो इतना प्यार करते हैं, मैं खुद इसको इतना प्यार करती हूँ, मेरा दिल नहीं करता से कुछ कहने का। लेकिन ये कि इसने आज तक, जब से हमने लाई है ना जूली हमारे घर में आई है, 1.5 साल होने लगा है, लेकिन जब से हमारे घर में आई है इसने आज तक कभी कोई नुकसान नहीं किया, कुछ नहीं, मतलब कोई ऐसा नुकसान, कई जानवर होते हैं ना, कई पेट्स रखते हैं कि वो कोई स्विच, कोई चार्जर वगैरह खा जाएंगे, कोई कुछ तार तोड़ देते हैं, इसने कभी आज तक कोई ऐसा नुकसान नहीं किया था। सिर्फ जब हमने लाई थी तब छोटी थी, तब एक दो बार इसने अंदर टॉयलेट वगैरह किया था, लेकिन उसके बाद ही, उसके बाद हम इसको जब भी टॉयलेट वगैरह लगता है सीधी ये छत पर चली जाती है या बाहर चली जाती है। लेकिन ये कि कभी इसने अंदर कोई नुकसान, इसको मैं पूरा दिन अंदर बंद करके भी जाती हूँ ना, बंद कर दूंगी चाबी, अभी को देके जाती हूँ, अविनाश देखता है इसको, लेकिन ये कभी नुकसान नहीं करती कोई भी। लेकिन है बड़ी प्यारी है, बाहर से दरवाजा सोइए ना, एकदम से अगर बाहर से आवाज़ आएगी इसको एकदम से चिल्लाएगी, मैं डर जाती हूँ कभी कभी, एकदम से चिल्लाएगी, किसी को अंदर नहीं आने देती है ये। तो
बाकी किसी को कुछ नहीं कहते, सिर्फ डुग्गू का दादू आते हैं ना, तो वो इधर छत पे ना इनकी साफ मकान है, वो जाते हैं तार वगैरह ठीक करने के लिए, उनको पड़ती है ये, पता है वो भी है ना आगे से इसको ऐसे ऐसे डांटते हैं तो उनको ये करती है। बाकी ये कि हम इसको बाहर ही निकालते हैं, अंदर ही रखते हैं, दरवाजे में पूरा दिन छत पे खेलती रहती है, लेकिन ये कि बड़ी प्यारी है। मैं तो इसको अपने बिल्कुल बच्चे की तरह रखती हूँ, पूरा जैसे मेरा अभिनंदन वैसे मैं इसको प्यार करती हूँ, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। मैं इसको कुछ नहीं कहने देती, चाहे कुछ भी हो। अरे कैसे सोई हुई है, बिल्कुल ऐसे आराम से सोई हुई है गुगली जी। अभी मैं तड़का लगा हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आज बनाई मैंने दाल चावल रोटी, ये जा रही हूँ मैं मम्मी को खाना दे के आती हूँ। गाय आज मैं ना ये वाला तेल लगाने लगी हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले तेल लगाया उससे मेरे बालों का बिल्कुल पूरी शीशी मैंने तेल लगा दी, लेकिन नहीं अभी जब से धोती तो इतने बाल निकल रहे हैं, इतने निकल रहे हैं, हद से ज़्यादा निकल रहे हैं। अभी अभिनंदन के पापा ने ये वाला तेल मंगवाया और इसी का ही शैम्पू मंगवाया, तो शैम्पू तो मैंने लगाया नहीं, पर अभी आज मैं तेल लगा के देखती हूँ कि कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, अगर पड़ेगा तो ठीक है। जुली दे दे मुझे, दे दे मुझे, दे दे ये दे ये दे ये दे कपड़ा दे मुझे ये दे, कभी नहीं देगी कपड़ा इसके पास हो ना, वो नहीं देती। चल दे दे मुझे दे दे मुझे मुझे दे दे दे, दे मम्मा को दे ना, मम्मा को दे 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 छोड़ दिया ना। आज बादल बादल हुए हैं, और कुछ नहीं करना, पकी हुई फसलें खराब करेगा अभी ये, जब इसकी जरूरत होती ना तब नहीं आता है। ओ सूर्य डूब गया, बादल वाला मौसम हो गया आज सारा। अभिनंदन कर रहा है होमवर्क, और बाहर जोर जोर से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है अभिनंदन? तूफान चल रहा है, बारिश आ गई, तो बस एग्जाम्पल देने लगा है। ये देख अभिनंदन बंद कर दे, ठंड आई, ठंडी हवा, इतना जोर से तूफान चल रहा है ना, दरवाजा नहीं बंद हो रहा है, इतनी जोर से तूफान चल रहा है, बस एक बारिश आ जाएगी, ठंड आ गई बस, फिर हमारी प्रेयर होनी है, फिर भी सर पे हमारे नीचे उधर मिट्टी हटा के फर्श लगा दिया को, ये मिले हिंदी में वाक्य बनाने के लिए, इसको इसको मैंने ये बना के दिए, मैंने बोला चल ठीक है आप उतार, आधे मैंने बताया, आधे मैंने बताया, तो लिखे किसने है? हाँ तेरे को क्या है, हैं तेरे को कौन सा वाक्य मिला, कौन सा वाक्य मिला, कौन सा वाक्य मिला, इसको प्यार प्यार वाला, प्यार वाला, प्यार वाला। पापा नहीं बोल रहे, पापा फोन में बिजी है। हाँ जी इधर मार पड़ी ना, चल और बाहर सुतरा मेरी बूटी आई, ये देखिए कैसे बेड पे अपनी चार पाई के ऊपर लेट गई है। हाँ चली चली बस ला लेंगे, हाँ चली चली जुली, दूध पीना है, दूध पीना मेरे बच्चे ने दूध पीना, कैसे देखती है मोटी होगी, खा के मोटी होगी। ना हेलो ब्रांडी, हाँ नमस्कार, तुम्हारे
अब निंदा का होमवर्क हो गया और बाहर इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं भी, लेकिन यह कि अगर एक जबरदस्त बारिश योगी होगी ना ठंड हो जाएगी, लेकिन एक काम होगा कि जो पकी हुई फसल है वो खराब हो जाएगी, फसल खराब होगी। हाँ, क्योंकि वो छोटी जो मोटे चावल होते हैं उसकी फसल पहले पक जाती है, लोग कटाई कर रहे हैं और सुखा रहे हैं ताकि जो चावल आटा जो बनता है ना वो भगवान ने आपको खराब कर देनी है। तो पिंकी की मम्मी ने तो आज वो भी किया है, बेचारी ने कितना टाइम लगा के काम किया, तब चले फसल तो भी खराब हो ही नहीं है तरपाल में करके, लेकिन यह है कि अब भगवान की मर्जी करके थोड़ी कुछ तय करती है, उसकी मर्जी उसकी रजा है, जब वो देना चाहेगा देगा, जब वो लेना चाहेगा लेगा। तो अभी होमवर्क हो गया, काम ख़त्म हो गया सारा, और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलना और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और जो नए लोग हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।